टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाया। उनका जलवा भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस महामुकाबले में देखने को मिला। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में पाकिस्तान को दो बड़े झटके दिए। उन्होंने पहले साउद शकील को LBW और फिर इफ्तिखार अहमद को ओवर के आखिरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कुलदीप यादव को ये दोनों सफलता पारी के 33वें ओवर में मिली। कुलदीप यादव ने 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर साउद शकील को 6 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए इफ्तिखार अहमद, वो कुलदीप यादव की इसी ओवर में एक चौका लगाए और प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और कुलदीप यादव ने वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर इफ्तिखार को बोल्ड कर उस चौके का भी बदला ले लिया। कुलदीप यादव ने अपने कोटे के पूरे 10 ओवर किए। कुलदीप यादव 35 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं इस वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव के नाम टोटल 5 विकेट हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट लिया था। साथ ही आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें वर्ल्ड कप 2023 में अपना तीसरा मैच खेल रही है। दोनों की टीमें अपनी शुरुआत 2 मैच जीत चुकी है। वहीं आज जीत हासिल करने वाली टीम वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगा देगी। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी और फिर टीम ने दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। वहीं अगर आज की पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान की पूरी पारी 191 रनों पर सिमट गई। वो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। 42.5 ओवर में ही बाबर की पूरी टीम पवेलियन चली गई। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।